नमस्कार, मैं हूं संदीप बागड़ी और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज। हरियाणा सरकार की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों की दरें निर्धारित करने से गुरुग्राम जिले के निवासियों को राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, गुरुग्राम में इलाज के लिए आने वाले दिल्ली, राजस्थान आदि राज्य के लोगों को भी लाभ होगा। दरअसल गुरुग्राम में नामी अस्पताल है और उनमें गुरुग्राम के साथ राज्य के तमाम जिले और दिल्ली, राजस्थान राज्यों से भी लोग इलाज करवाने आते हैं। कोरोना महामारी से ग्रस्त मरीजों का इलाज करने के दौरान इन अस्पतालों के खिलाफ राज्य सरकार को मोटी रकम लेने की शिकायतें मिल रही थी। गुरुग्राम के उपायुक्त अमित खत्री एवं नगर निगम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के मामले में इलाके के निजी अस्पतालों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में ऐसे अस्पताल रखे गए हैं जो नेशनल एक्रीडेटेड बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि दूसरी श्रेणी में जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल और नाब से मान्यता प्राप्त अस्पतालों को रखा गया है। गैर मान्यता प्राप्त अस्पतालों में रेट 8,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक निर्धारित किए गए हैं। मरीज ज्यादा गंभीर नहीं होने पर उसके लिए दाखिल होने पर आइसोलेशन बेड का प्रतिदिन का रेट 8,000 रुपये रखा गया है और गंभीर मरीज के लिए आईसीयू में बिना वेंटिलेटर के 13,000 रुपये प्रतिदिन और वेंटिलेटर के साथ 15,000 रुपये प्रतिदिन तय किए गए हैं। ये रेट एक पैकेज के तौर पर होंगे जिसमें जांच, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, दवा आदि सब शामिल होंगे। इसी प्रकार नाभ व जेसीआई मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 10,000 रुपये प्रतिदिन से लेकर 18,000 रुपये प्रतिदिन के रेट तय किए गए हैं। कम बीमार व्यक्ति को ऑक्सीजन के साथ आइसोलेशन बेड 10,000 रुपये प्रतिदिन में मिलेगा और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को आईसीयू में बिना वेंटिलेटर केयर का बेड 15,000 रुपये और वेंटिलेटर के साथ 18,000 रुपये प्रतिदिन के रेट पर मिलेगा। यह भी एक पैकेज के तौर पर होगा। उन्होंने बताया कि प्राइवेट लैब में टेस्टिंग के रेट भी निर्धारित किए गए हैं। अब आरटीपीसीआर का रेट 2,400 रुपये तय किया गया है। हरियाणा की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए डेली हरियाणा न्यूज के साथ।